Dear students, myself H.S. Mehta, faculty of chemistry, since last 18 years. तो आज हम chemistry का introductory part complete करने वाले हैं और साथ ही साथ importance of chemistry point को भी cover करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए topic का name लिखे बेटा, some basic concept of chemistry. Some basic concepts of chemistry. ये chemistry का अपना first chapter है जिसके अंदर हम mole concept को detail में discuss करेंगे. Chemistry का अपना first chapter है जिसके अंदर हम क्या discuss करेंगे? Mole concept को detail में discuss करेंगे और साथ ही साथ concentration terms को भी discuss करेंगे. लेकिन mole concept तक पहुंचने से पहले कुछ हद तक कुछ बेसिक बातें होती हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है और अचानक से कोई आपसे पूछ लेता है केमिस्ट्री क्या है, फिर सोचते रहते हैं यार केमिस्ट्री क्या, ठीक है उसका डिफाइन कर भी देते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो हमें क्या है कि सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं। उससे भी पहले एक बात आती है, उसकी हम बात करते हैं, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। यदि आपने साइंस को डिफाइन कर लिया तो साइंस के किसी भी ब्रांच को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कैसे साइंस का हम आंसर दे रहे हैं क्या? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। इतना तो सभी बच्चों को पता है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। तो बेटा इसमें आपको अंडरलाइन करना है किसको? नेचर को। किसको अंडरलाइन करना है? नेचर को। इस नेचर की जगह आप टर्मिनोलॉजी चेंज करते जाइए और डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस को डिफाइन करते जाइए। क्या करना है? व्हाट इज साइंस, तो द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। तो बेटा किसी भी ब्रांच की हम डेफिनेशन देते हैं तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। कैसे? केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है बेटा? साइंस की एक ब्रांच है। इस नेचर टर्म की जगह हम क्या करेंगे? केमिकल्स कर देंगे। देखिए कैसे, द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स नोन एज केमिकल साइंस और केमिस्ट्री। इस टाइप से हमारा केमिस्ट्री भी डिफाइन होगा। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, दोबारा देखिए बेटा इसको, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि द ब्रांच ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, कि ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ। अब यहीं पे आपने क्या चेंज किया, नेचर लिखा था पहले, या केमिकल्स लिख देंगे, केमिकल्स एंड रिलेटेड फिनोमेनंस इज नोन एज साइंस। क्या बोला गया बेटा? केमिकल्स एंड रिलेटेड फिनोमेनंस, उनकी जगह सिर्फ नेचर की जगह। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिलेटेड फिनोमेनंस इज नोन एज केमिकल साइंस। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं,
अदर ब्रांचेज ऑफ द साइंस डिफाइन कर सकते हैं। आपसे पूछा था व्हाट इज लाइफ साइंस, द बायोलॉजी। आप इसी तरह द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज लाइफ साइंस। क्या बोल देंगे, केमिकल्स की जगह पर जिस जगह हमने अंडरलाइन किया हुआ है उस जगह पर आप टर्मिनोलॉजी चेंज करें और साइंस की दूसरी ब्रांच को डिफाइन कर सकते हैं। किसी ने आपसे बोला पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, आप कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलेटेड फिनोमेना एज पॉलिटिकल साइंस। कोई बोलेगा आपसे सोशियोलॉजी और सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और सोशल साइंस। So the branch of science which deals with the systematic and scientific study of society and related phenomena is known as social science or sociology. इस तरह से आप किसी भी ब्रांच को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। इसकी बात करेंगे बेटा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। हाँ, तो इसको पहले आप नोट कर सकते हैं, जो आपने अभी लिखा है इसके नोट्स बना लें, कॉपी और पेन लेके बैठे और इसके नोट्स तैयार करते जाएं। ठीक है बेटा, जैसे ये नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए बेटा, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी होती है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री सोचिए सोचिए, हो सके तो अपने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को कमेंट में भी बताइए बेटा कौन कौन से ब्रांच है केमिस्ट्री की। नेचर के अंदर ज्यादातर क्लासिफिकेशन, नेचर के अंदर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन दो टाइप रखते हैं। मेजर टाइप कितने रखते हैं, दो। केमिस्ट्री के भी मेजर टाइप कितने होंगे, दो होंगे। तो इसके मेजर टाइप्स की हम बात कर रहे हैं तो दो ही होंगे, वो कौन कौन से हैं हम नोट कर लें। पहला मेजर टाइप है अपना फर्स्ट, इसको आप सभी ने सुना है, प्योर केमिस्ट्री। फर्स्ट मेजर टाइप कौन सा है बेटा, प्योर केमिस्ट्री। और सेकंड मेजर टाइप कौन सा है, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सुना है। हाँ बेटा, ये भी ब्रांचेज हैं, लेकिन ये ब्रांचेज नहीं है, ये सब ब्रांचेज हैं। यहाँ ब्रांच की भी ब्रांच, सब ब्रांच। देखिए सब ब्रांच कैसे है, प्योर केमिस्ट्री का सब ब्रांचेज में आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप लोगों से ब्रांचेज पूछते हैं तो आप आंसर सब ब्रांचेज का देते हैं, क्या ये बात सही है बेटा। ध्यान से क्लासिफिकेशन किया करें और ध्यान रखा जाए। आप सोच रहे होंगे ये आया कहां से, आप सबको पता है ये दोनों ब्रांच, प्योर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, बस भूलने की आदत है। दोबारा रिवाइव करो इसको, जिंदा करो दोबारा से। IUPAC के फुल फॉर्म बताएंगे मुझे आप, IUPAC की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात क्लियर हुई बेटा, क्या होता है IUPAC या IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यदि ये तीन ब्रांच होती फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या होता बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा तो नहीं है, इट मीन्स ये ब्रांचेज नहीं है, ये सब ब्रांचेज हैं। इज इट क्लियर। देखिए बेटा, अब आगे आता अपने पास अप्लाइड केमिस्ट्री के पार्ट। इन चार पार्ट्स के अलावा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन चार ब्रांचेज के अलावा जितने भी आपको नेम याद आ जाते हैं उनको आप अप्लाइड केमिस्ट्री में रख देंगे। कौन कौन से नेम याद आ रहे हैं बेटा, सोचिए। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर जैसे कोई बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको नेम याद आ रहा होगा मैथ से रिलेटेड कोई चीज, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बेटा मेटलर्जी में इंजीनियरिंग होती है, एक ब्रांच होती है बेटा आप लोगों की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेटलर्जी। एंड जैसे बायोलॉजी वालों के बच्चों के लिए याद आ रहा होगा बायोलॉजी के रिलेटेड, बायोलॉजी में क्या आता है, बायोकेमिस्ट्री। नीट वाले बच्चे के दिमाग में बायोकेमिस्ट्री आया होगा, आईआईटी वाले बच्चों के दिमाग में मेटलर्जी या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आया। और भी कोई ब्रांच याद आ रहा हो तो यहीं पर रखना बेटा, याद करो। कुछ याद आ रहा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सिमिलरली मेडिसिनल केमिस्ट्री। और आगे बढ़ते हैं इसी तरह इसी क्रम में बेटा, आता अपने एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो जितने भी नेम याद आते जाएं उनको आप कहां रखोगे बेटा, अप्लाइड केमिस्ट्री। बात क्लियर, इसको भी नोट कर लें। अब इसमें दो ब्रांच आपको, एक तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एक मेडिसिनल केमिस्ट्री, दोनों एनालॉगस नजर आ रही होंगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, दोनों कैसा दिखाई दे रहा बेटा, सिमिलर ब्रांचेज नजर आ रही हैं, पर सिमिलर हैं सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए बेटा, अपने पास ये जो ब्रांचेज हैं उनके अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फार्मेसी की स्टडी की जाती है, फार्मा साइंस मतलब मेडिसिन का प्रिपरेशन, क्या कहेंगे, प्रिपरेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन इज स्टडीड अंडर फार्माकेम में स्टडी की जाती है बेटा, इसका फार्माकेम, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो क्या होता है, अपने पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्या बोला, प्रिपरेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन इज स्टडीड अंडर फार्माकेम या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बात क्लियर। और सिमिलरली मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या बोला बेटा हमने, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें भी मेडिसिन है लेकिन क्या है डिफरेंस इन दोनों का, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूजेज की, कौन सी डिजीज में यूज करना है, डोजेज कितना डोज देना है, बच्चा है तो 10 mg और बड़ा है तो 100 mg, इस टाइप से कितना यूजेज डोजेज, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स आर स्टडीड अंडर ऑफ मेडिसिन, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन आर स्टडीड अंडर मेडिसिनल केमिस्ट्री। बात क्लियर बेटा। नोट कर लें, फार्माकेम में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है, मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है
कौन से ऑरिजिन से बनती है, ऑरिजिन से मतलब है एनिमल ऑरिजिन है या प्लांट ऑरिजिन है। कुछ मेडिसिन प्लांट से बनते हैं, कुछ एनिमल से, आजकल तो कुछ मेडिसिन क्या माइक्रोब से भी बनने लग गई है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या माइक्रोब से भी बनती है। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर की मेडिसिन कैसे तैयार करें, उनकी पैकेजिंग कैसे किया जाए, अट्रैक्टिव पैकेजिंग जिससे कि वो मार्केट में जल्दी बिक जाए, मार्केटिंग रिलेटेड स्टडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, डॉक्टर अकेले के लिए काम की होती है, जिसके अंदर वो क्या करता है कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी में यूज करना है या कौन सी डिजीज में यूज करना है और कितना डोज लेना है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इस बात का डिस्कस वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो मुझे बताइए गिव एनी थ्री एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कोई भी केमिकल चेंजेस के तीन एग्जांपल बताइए बेटा मुझे। ये अपना सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं कहीं भी कोई चीज फालतू या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ाऊंगा और एडवांस में जितना काम आएगा उतना तक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बस ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस कौन से बेटा बताइए, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस लिखे। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, इसके अंदर अपने पास सबसे पहला है एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क या फिर कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का निर्माण करना पहला प्रोसेस अपना क्या एक एग्जांपल है, एक तरह का ये केमिकल चेंज है बेटा, परमानेंट चेंज है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरा है विनेगर फॉर्मेशन, विनेगर, विनेगर में क्या होता है बेटा एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, विनेगर फॉर्मेशन फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का फर्मेंटेशन करेंगे तो विनेगर या एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस जो एग्जांपल हैं वो कौन क्या बेटा एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन, एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो बेटा मैं केमिकल चेंजेज के एग्जांपल में, केमिकल चेंजेज के एग्जांपल में हमने फर्मेंटेशन का एग्जांपल ही क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने से ये प्रोसेसेस सोसाइटी के अंदर चली आ रही हैं, सड़ना गलना फर्मेंटेशन, और इनसे हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन, दही हर घर में बनाया जाता था, आजकल शायद नहीं बनाते होंगे, विनेगर, विनेगर भी पहले कुछ जगहों पर आज भी बनाया जाता है, अब इंडस्ट्रियल लेवल पर ये चीजें बनती हैं, बात क्लियर। एक और एग्जाम्पल आता है तो बहुत पुराने जमाने से चला, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो एग्जाम्पल है एक तरह से किसके अंदर आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बेटा कोरोजन ऑफ मेटल्स टॉपिक में आता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का अपने आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से टूटना फूटना, मेटल्स की सरफेस का एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऑटोमेटिक उतरते रहना क्या बोला जाता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। और कोरोजन ऑफ मेटल्स एक टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है मेटल सरफेस का, कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस। तरह से आपके पास ये एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अब बात आती है सबसे फर्स्ट टाइम ये केमिस्ट्री डेवलप क्यों हुई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं, संभावित कारण, एग्जैक्ट कारण तो आप कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के पीछे कौन कौन से रीजन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखें बेटा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आपको लिखना रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री,
reasons behind the development of chemistry. ये क्या क्या reasons हैं, नोट कर लें बेटा, ये दो reason है probable reason जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, ये दो probable reason है, संभावित कारण है, उनको आपको याद रखना है। पहला इसके पहला नोट करने से पहले ये लाइन नोट कर लें, क्या क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बींग मानव की उत्सुकता किसके बारे में, अबाउट फर्स्ट रीजन बताएंगे अब हम, मानव की उत्सुकता है कौन कौन के बारे में, एक तो बेटा अमृत के बारे में और दूसरा पारस पत्थर के बारे में, ये दो रीजन केमिस्ट्री को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा के गए और निकल गए। कैसे, रीजंस बिहाइंड दी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आप बात करेंगे तो फर्स्ट रीजन देने से पहले हमने नोट किया क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बींग अबाउट फिलोसफर्स स्टोन दार्शनिकों का पत्थर। दार्शनिक कौन होते हैं, पारस मुनि हुआ करते थे हमारे यहाँ जैनो में, पारस मुनि, उन पारस मुनि जी का पत्थर, के उनके पास कोई एक ऐसा पत्थर हुआ करता होगा जिसको किसी भी मेटल से टच करो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता होगा, ऐसी अपने किंवदंतियां कहानियां प्रचलित है सोसाइटी के अंदर। तो पारस पत्थर को खोजने का कोशिश किया साइंटिस्ट ने, और पारस पत्थर हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। पारस पत्थर थ्योरेटिकली हम बात करें या एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हम बात करें तो आज तक पारस पत्थर या फिलोसफर्स स्टोन नाम का कोई पत्थर हम डेवलप नहीं कर पाए, और पूरा इंजीनियरिंग के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मेटलर्जी डेवलप हो गया। इज इट क्लियर? तो बेटा एक तो है क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बींग अबाउट द फिलोसफर्स स्टोन, और इसको डेवलप करने की कोशिश की और ये डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन हमें केमिस्ट्री नाम का या रसायन शास्त्र नाम का एक बड़ा शास्त्र मिल गया है। बात क्लियर? और सेकंड जो है बेटा क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बींग अबाउट दी एलेक्सिर ऑफ लाइफ मतलब इसको बोल सकते हैं जूस ऑफ लाइफ, क्या बोल सकते हैं बेटा, जूस ऑफ लाइफ, जीवन का रस, एक ऐसा रस या जूस डिस्कवर करने की कोशिश की जिसको पीने से इंसान इमोर्टल या अमर हो जाए, क्या हो जाए, इमोर्टल या अमर हो जाए, इसका मतलब अमृत खोजने की कोशिश, क्या कोशिश की बेटा लोग बागों ने, अमृत खोज, क्या अभी तक कहीं किसी को अमृत मिला, नहीं तो नहीं मिला, और खोजने की कोशिश करते रहे, उस कोशिश में हमें क्या मिला, वैरायटी ऑफ हेल्थ टॉनिक्स मिल गए, वैरायटी ऑफ मेडिसिन मिल गए, मतलब मेडिकल साइंस डेवलप हो गया। बात समझ में आ रही है कि क्या प्रोबेबल रीजन है केमिस्ट्री के डेवलप होने के, दो ही रीजन है, एक तो बेटा लोगों ने क्या पारस पत्थर को डिस्कवर करने का कोशिश किया जिससे इंजीनियरिंग डेवलप हुआ, और लोगों ने एक ऐसा रस या जूस डिस्कवर या काढ़ा, आप रस कहो चाहे काढ़ा कहो, रस कब बोलते हैं, जब कोई जूस मीठा होता है तो उसको रस बोल देते हैं, और काढ़ा कब बोलते हैं, जब कोई जूस कड़वा होता है तो उसको काढ़ा बोल देते हैं। काढ़ा या जूस को डिस्कवर करने का कोशिश किया जिसको पी करके ह्यूमन बींग क्या हो जाए बेटा, अमर हो जाए, पर अमर तो नहीं हुआ लेकिन मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई। बात समझ में आ रही है, ये दो एलेक्सिर ऑफ लाइफ एंड फिलोसफर्स स्टोन को डिस्कवर करने की कोशिश किया, इनको अभी तक कवर नहीं कर, पर अपना जो मॉडर्न केमिस्ट्री है अभी पिछले 200 साल पहले से आई हुई है, उससे ज्यादा पहले बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, तो 100-200 साल के अंदर ही मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है। अब हम बात करेंगे इसकी एंशियंट नेम्स ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पुराने नेम्स कौन से हैं, एंशियंट का मतलब होता है बेटा ओल्डर या पुराने, ओल्डर नेम्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बहुत पुराने जो नेम्स हैं उनमें से ग्रीक या यूनान कंट्री हुआ करता, ग्रीस, ग्रीक भाषा में, इन ग्रीक लैंग्वेज केमिस्ट्री के दो नाम प्रचलित थे बेटा, क्या,
पहला नाम था अल्केमी और दूसरा नाम था आयट्रो केमिस्ट्री। ये दो नेम इसके एंशियंट नेम्स में ग्रीक लैंग्वेज में दो नेम आते हैं, यूनान में या एथेंस है जगह की हम बात करें, हम ये दो नेम पर चले। एंशियंट नेम्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, ग्रीक भाषा में कौन कौन से नेम प्रचलित थे केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में दो ट्रेडिशंस थे, एक तो एल्केमी के नाम से केमिस्ट्री चल रही थी और एक केमिस्ट्री हमारे कौन से नाम से चल रही थी, आयट्रो केमिस्ट्री। अल्केमी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, अल्केमी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोला गया, अल्केमिस्ट। इस्ट लगा देते हैं ना बेटा, अल्केमिस्ट। अल्केमी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोला गया, अल्केमिस्ट बोला गया। और आयट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी करने वालों को क्या बोला जाएगा, आप समझ गए होंगे अब तो, आयट्रोकेमिस्ट। बात क्लियर, अल्केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे उनको हम अल्केमिस्ट बोलेंगे, आयट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टडी करेंगे उनको आयट्रोकेमिस्ट बोलेंगे। बेटा अल्केमी के अंदर क्या है, इंजीनियरिंग टाइप की प्रोसेस होती है, जैसे घड़ों का बनाना, खड़े मटके, हमारे यहाँ जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, उसको फिर आग में पकाते हैं और आग में गर्म करके केमिकल प्रोसेसिंग होकर के वो एक क्वालिटीज में चेंज आ जाता है, मिट्टी की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्केमी एक ऐसा पार्ट है जिसमें इंजीनियरिंग टाइप की प्रोसेसेस की जाती थी, ठीक है। और आयट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें जूस निकाले जाते थे, सॉल्यूशंस को गर्म किया जाता था, सॉल्यूशन को गर्म करके चाशनी में कन्वर्ट किया जाता था और ज्यादा गर्म करके क्रिस्टलाइजेशन किया जाता था। आप समझ रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, मेडिकल साइंस के एनालॉगस थी। तो आप कह सकते हैं अल्केमी इट वॉज एनालॉगस टू, ये कौन के एनालॉगस थी बेटा, मॉडर्न इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एनालॉगस थी अल्केमी। और आयट्रोकेमिस्ट्री क्या थी बेटा, कौन के एनालॉगस थी, इट वाज एनालॉगस टू मॉडर्न एलोपैथी एंड एंशियंट आयुर्वेदा, एंशियंट आयुर्वेदा। बात समझ में आ गई बेटा, ये तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर थे, ऐसा नहीं है कि अदर नेम्स या एंशियंट नेम ग्रीक में ही मिलते होंगे, इंडिया में भी केमिस्ट्री के कुछ पुराने नेम थे। इंडियन नेम्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंडियन नेम्स ऑफ केमिस्ट्री नोट करिए, इंडियन नेम्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इंडियन नेम्स कौन कौन से हैं, आज की डेट में हम इंडिया में या हिंदी में केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र है। और इसके जो एंशियंट नेम्स हैं, पुराने नेम है, वो क्या है बेटा, एंशियंट नेम्स, अलग अलग नामों से इंडिया में प्रचलित थी। पहला नाम आप बोल सकते हैं रस विद्या, रस तंत्र, तंत्र, रस क्रिया एटसेट, इस तरह के नाम मिलते थे। देखो हर जगह अपने इंडिया में केमिस्ट्री के नाम में रस जरूर मिलेगा, रस यानी जूस, जूस यानी कि सॉल्यूशन, रस मतलब जूस। और आज की डेट में जूस क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन हो चाहे वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो, तो स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग आयंस, अदर आयंस जिनके प्रॉपर्टीज में जोश हो, जैसे एसिड्स, बेस, इस टाइप की चीजों की स्टडी हम क्या बोलते थे,
रसायन शास्त्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरानी जो अपने इंडियन केमिस्ट्री है उसके अंदर शास्त्रों का क्या नाम दिया जाता था, शास्त्रों के लिए क्या नाम हुआ करता था। तो बेटा पुराने टाइम पर लार्ज बुक को या शास्त्र को एक और नाम दिया जाता था, शास्त्र। पुराने टाइम पर जो शास्त्र था या लार्ज बुक थी उसको क्या नाम दिया जाता था, संहिता। संहिता, संहिता क्या बोलते थे, संहिता। और ये अक्सर क्या संहिता या लार्ज बुक उनके ही साइंटिस्ट के नाम पर हुआ करती थी, जैसे चरक मुनि ने लिखा तो चरक संहिता, चरक संहिता। सुश्रुत मुनि ने लिखा तो सुश्रुत संहिता, सुश्रुता संहिता, इस टाइप से इनके नेम हुआ करते थे। ठीक है, और भी साइंटिस्ट हुए थे, महर्षि कणाद, परहा मिहिर, आर्यभट्टा, इस टाइप के। हमें क्या है कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है बेटा, द लार्ज बुक, द लार्ज बुक। जैसे आज की डेट में कई नेम चलते हैं, आपने सुना होगा डिक्शनरी, डिक्शनरी एक लार्ज बुक होती है, उसके अंदर मीनिंग्स की बात करते हैं। और थिजारस एक लार्ज बुक होती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी होती है, मीनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, वो थिजारस के नाम से जानी। उस जमाने में इनको क्या बोला करते थे, थिजारस को उस जमाने में संहिता बोलते थे, संहिता। और इंग्लिश में जो संहिता एन टर्म है, एन के एनालॉगस दिखाई दे रहा है तो ध्यान से नोट करना इस टाइप से। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। वैसे तो देखें चारों इंपॉर्टेंट, हजारों इंपॉर्टेंस है और चारों एग्जांपल मिल जाएंगे इसके इंपॉर्टेंस के, लेकिन हमें सिर्फ वही एग्जांपल्स याद रखने हैं जो अपनी एनसीईआरटी में है और पीवाईक्यू में और जितना एडवांस में आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में बेटा पहला है आपके AZT दिया हुआ है, AZT, बच्चे ने ध्यान से बुक्स पढ़ी होंगी तो उसको याद होगा। सोचो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AZT, याद नहीं आ रहा, फुल फॉर्म याद रखना, एजिडो थायमेडीन, एजिडो थायमेडीन। और ये बेटा क्या होती है, एंटी एड्स ड्रग है, एंटी एड्स ड्रग। एड्स एक बीमारी है, डिजीज है, और इसके लिए यूज होने वाली मेडिसिन या ड्रग है, ये एंटी एड्स ड्रग या मेडिसिन। कौन, AZT, एजिडोथायमिडीन। ऐसे दूसरा एग्जांपल या इंपॉर्टेंस दिया है अपने केमिस्ट्री में, वो है बेटा सिसप्लैटिन, सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल। ये दो मेडिसिन नाम दिए हैं, इन दो मेडिसिन कौन सी यूज होते हैं, कौन सी डिजीज में यूज होते हैं बेटा, सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल का यूज करते हैं हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में, कैंसर के उपचार में या इलाज में इसका यूज किया जाता है आपके सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल। बेटा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि एड्स का फुल फॉर्म भी बताओ, 9th-10th में याद कर लिया होगा, और नहीं भी होगा तो आज भी याद कर लेना, AIDS acquired immunodeficiency syndrome, acquired immuno, acquired immuno deficiency syndrome। बात समझ गए बेटा इसका क्या नाम है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, AZT का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एजिडोथायमिडीन एंटी एड्स ड्रग है, सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल भी याद रखेंगे,
कि दो मेडिसिन है जो कैंसर के डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम का पता है सब बच्चों को कि ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस तरह से कुछ चीजें याद रखनी होती है। अब इसमें कुछ यूजेज या एग्जांपल्स वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, जिसके अंदर बताया गया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का कैसे यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि कुछ पॉल्यूटेंट्स की वजह से एनवायरमेंट आज पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जैसे ओजोन लेयर डेप्लेशन हो रहा है, तो ओजोन लेयर डेप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है, यूजेज में ही आपको नोट करना बेटा, ओजोन लेयर डेप्लेशन, ओजोन लेयर डेप्लेशन इन कौन से लेयर में हो रहा है, ये बात है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर ये वाले बच्चे बोलते हैं समताप मंडल के ऊपरी भाग में, ताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन लेयर डेप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में हो रहा है, या समताप मंडल के ऊपरी भाग में हो रहा है। बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं सर हमने तो सुना है ओजोन मंडल में हो रहा है, ओजोनोस्फीयर में। ओजोनोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पार्ट को ही बोलते हैं। अभी समझाऊंगा इस बात को, थोड़ा सा नोट कर लें। ओजोन लेयर डेप्लेशन स्ट्रेटोस्फीयर इज ड्यू टू कौन की वजह से है, सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर से फुल फॉर्म आ गई तो दोबारा याद कर लो, सीएफसीज का फुल फॉर्म क्या बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लियर। इनका दूसरा नाम है बेटा फ्रेयॉन्स। अब देखना जो मैं यहां बता रहा था स्ट्रेटोस्फीयर वाली, होता क्या है अपने पास जैसे ये अर्थ है, और अर्थ से आगे बढ़ते जाते हैं तो लेयर्स आती हैं, एटमोस्फेरिक लेयर्स, उनको मंडल बोला गया, स्फीयर्स बोला गया, तो इनका नाम है तस्मई, तस्मई, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, एक क्लासिफिकेशन ये चलता है। दूसरे क्लासिफिकेशन में क्या बेटा, ट्रोपोस्फीयर थोड़ा पहले तक रह जाता है, या दूसरे क्लासिफिकेशन में अपना क्या ट्रोपोस्फीयर तो यहीं तक रहेगा ट्रोपोस्फीयर, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर की हम बात करें तो थोड़ा सा ट्रोपोस्फीयर तो यहीं तक रहेगा, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हुए स्ट्रेटोस्फीयर का जो अपर पार्ट है उसको, और मेजोस्फीयर का लोअर पार्ट है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, मेजोस्फीयर का लोअर पार्ट, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं। देखो दोबारा इसको डायग्राम बनाओ ढंग से, बता देते हैं पहले, ये डायग्राम बन गया तो सही समझ में आएगा, सही डायग्राम नहीं बना तो समझ पार हो जाएगा। देखना ये अपना अर्थ प्लैनेट है, अर्थ से यहां तक अपना ट्रोपोस्फीयर है, फिर इसके आगे हम बात करें तो ये आ गए अपने ट्रोपोस्फीयर के आगे, मान लो एस, स्ट्रेटोस्फीयर को अलग कलर से शो कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कलर हम ले रहे हैं तो मेजोस्फीयर आ गया, ये मेजोस्फीयर हो गया, मेजोस्फीयर, और अभी कलर लिया था हमने ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, और स्टार्टिंग में हमने येलो कलर लिया था, उसमें देखें आप, मान लो ये ट्रोपोस्फीयर हो गया अपना ट्रोपोस्फीयर। देखिए बेटा इस तरह से लेयर्स होती हैं इसमें एटमोस्फेयर में, और कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, लास्ट में देखें तो तस्मई आयोनोस्फीयर आ गया, ये कौन सा स्फीयर आ गया बेटा, आयोनोस्फीयर, एंड एक्सोस्फीयर आ जाता है लास्ट में, एक्सोस्फीयर। तो होता क्या है, पहला क्लासिफिकेशन में तो ये है
तस्मई। लेकिन दूसरे क्लासिफिकेशन में क्या है, ट्रॉपो को तो ट्रॉपो ही बोला है, ट्रॉपो को ट्रॉपो ही बोला है, ट्रॉपोस्फीयर। ट्रॉपोस्फीयर का थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट घटा दिया, यहां तक स्ट्रेटो बोल के रह गई ये। इसके बाद मेसोस्फीयर का कुछ हिस्सा यहां शामिल कर लिया और इसको ओजोनोस्फीयर बोल दिया, और इसके मेसोस्फीयर नाम ही नहीं दिया। सेकंड टाइप के कैटेगरी के में क्या नाम नहीं दिया, मेसोस्फीयर नाम ही नहीं दिया, उन्होंने क्या नाम दिया, ओजोनोस्फीयर बोल के। और आयनोस्फीयर में अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर किसमें शामिल कर लिया, आयनोस्फीयर में, और फिर एक्सोस्फीयर बोल दिया। तो बेटा पुराने टाइम से अभी तक ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन प्रचलन में, जिनमें कुछ बुक्स में ओजोनोस्फीयर दे रखा है और कुछ बुक्स में ओजोनोस्फीयर नहीं दे रखा है। तो जिन बुक्स में ओजोनोस्फीयर दिया है उनमें तो क्या लिखेंगे, ओजोन लेयर डेप्लेशन इन ओजोनोस्फीयर, और जिन बुक्स में ओजोनोस्फीयर नहीं दिया है क्लासिफिकेशन उनमें हम क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर डेप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर का अपर पार्ट ही इनडायरेक्ट में क्या है बेटा, ओजोनोस्फीयर। बच्चे पूछेंगे सर कौन सा आंसर दें, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में तो ये स्ट्रेटोस्फीयर टर्म है, तो एनसीईआरटी वाला ही मानेंगे और अपने आंसर बुक बनेगा। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, ये लाइन को एज इट इज याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। बात क्लियर बेटा। अब ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। कल हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल की, और वहां से स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द एटम्स, व्हाट आर द मॉलिक्यूल, व्हाट आर द मैटर, व्हाट इज द प्योर मैटर, व्हाट इज द मिक्सचर्स, व्हाट आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स, व्हाट आर द हेटरोजेनियस मिक्सचर्स। ये 7-8 पॉइंट को हम क्लियरली, और व्हाट आर द एलिमेंटल सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में भी हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। सिंबल्स जानते ना, वन लेटर सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए 2-letter सिंबल HE, तो 1-letter सिंबल 2-letter सिंबल कैसे लिए हैं, किसी चीज के लिए सिंबल कैसे, मान लो एक ही, एक से ज्यादा एलिमेंट एक लेटर से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट है और हैपनियम भी H से स्टार्ट है, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल देंगे। तो पहले एलिमेंट के लिए तो आपने हाइड्रोजन ले लिया और हैपनियम के लिए HF ले लिया, तो 2-letter सिंबल की जरूरत पड़ी। सिंबल्स के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।